गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल रात को पाताल भुवनेश्वर से चल के रात को करीब 8:30 पहुँचा था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पहुँच के यहाँ पे होटल लिया, होटल लेके यहाँ पे रुक गए थे हम लोग। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। सो निकलने से पहले आपको यहाँ का बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे देखिए वाटे कबाना बना रखा है यहाँ पे शाम के लिए। यहाँ पे एक झूला बना रखा है उन्होंने, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे ISBT बस अड्डा है। A few moments later, इसमें और रूम बुक किया, तो यहाँ पे आया मैं। यहाँ पे इनका रिसेप्शन है और रूम तो बहुत ही बढ़िया है, आपको दिखाता हूँ। मैं रूम के अंदर ले चलता हूँ, ये देखिए, और बहुत ही लो प्राइस में है। बाहर का भी है, बाहर का व्यू अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं। सीन का पैसेज है, सो ये रूम है हमारा। ये देखिए, आते ही हेलमेट फेंक दिया। ये हमारा बाइक का सामान, जो बैग, सेल्फ स्टिक, रूम ठीक है और बहुत ही लो प्राइस में रूम दिया उन्होंने, मतलब अच्छा भी है और बजट में है। अच्छा भी है, बजट में भी है। सो आप कभी भी अल्मोड़ा हो तो यहाँ पे होटल में आइए और मैं आपको यहाँ का बाहर का भी मॉर्निंग में दिखाता हूँ। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं भी नाइट में कैसे है। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे, वाह क्या बना रखा है यार, सुपर बढ़िया वाली फीलिंग है, लग्जरी स्टाइल दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे ISBT है पास में, ये तो अंधेरा दिखेगा नहीं। ये देखिए यहाँ से अल्मोड़ा दिखता है, बट कम दिखता है, प्रॉपर नहीं है। बाकी का वीडियो मैं आपको सुबह, बाकी का व्यू जो है सुबह मॉर्निंग में दिखा दूंगा यहाँ से निकलने से पहले। तो चलिए तब तक फ्रेश अप हो जाते हैं, फिर उसके बाद खाना आएगा, खाना खा के फिर एडिट करेंगे। चलो जी, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। यहाँ पे टाइम हो गया है 10:00 और लेट बहुत हो गया, एडिट नहीं हो पाया था और एडिट आज व्लॉग भी नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए अभी हम कल सुबह ही डालेंगे, तो हम निकल गए। चलिए मिलते हैं। तो हेलो, तो फाइनली हम निकल गए हैं अल्मोड़ा से और ये देखिए क्या व्यू है यहाँ पे, पत्ते आ गए आ गए, ये देखो वाह। हम बाइक में गए, बाल मिठाई ले जाएंगे हम, क्योंकि एक बार पहले ले गया था तो बहुत टेस्टी लगा था। तभी घर से फ़ोन आया कि लेके आना, मैंने कहा ठीक है भाई लेके देते हैं। सो गाइस, ये है बाल मिठाई, गुड़ की मिठाई है। सो इसको एक बार जो खाएगा बार बार ललचाएगा। सो कैसा लग रहा है दुर्गेश? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। हाँ। झूठ मत बोला, झूठ नहीं बोल रहा, सही लग रहा है। नहीं मानते तो खा के देखो आप। चलो बहुत टेस्टी है, मीठा ज़्यादा है बहुत टेस्टी है। बहुत बड़ा फूल है यार ये तो। रोड की वाट लगी पड़ी है पूरा, कम से कम 15-20 किलोमीटर ऐसे ही चल रहा है रोड की, पुराने पूरा धूल ही धूल कर रखी है। और धूल तो इतनी उड़ा रहे हैं लोग। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम जा रहे हैं अंदर, कैंची धाम के अंदर जाएंगे। यहाँ से गाड़ियाँ पार्क करते हैं कैसे होती हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क होती पता नहीं। तो गाड़ी कहाँ पार्क करनी है सर जी, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है अगर अंदर मंदिर जाना था? अरे यार तुम तो ऐसे डाल दो अंदर, वो ऐसे डाल दें तो
टाइम तो वैसे नहीं रुकेंगे, ये है कैंची धाम टेम्पल। ये है कैंची धाम टेम्पल, जय हो बाबा नीम करौली। ये यहाँ की लोकेशन है और ये देखिए तो शायद शूज वगैरह अंदर जमा होते जूते। ये देखिए यहाँ से परम पूज्य पापा अंदर जाते हैं। अभी हम लोग अंदर दर्शन करके आ गए क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी दर्शन करके आ गए हैं। सो यहाँ पे आके मतलब बहुत ही अच्छा सुबह, मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट इस बार हम लोग यहाँ से निकले तो हमने कहा इस बार हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे। सो अभी आपको दिखाते हैं सब बाहर से, पीछे दूर से दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। कच्चे दाम करके आ गए हैं तो यहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। हम लोग अंदर का दर्शन करके आ गए हैं, यहाँ से हल्दानी चले मिलते हैं। हल्दानी से आज हम लोग एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो लाखों दिलों पर राज करते हैं। तो चलिए हम उनको करते हैं कॉल और उसके बाद देखते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं रास्ते में। गाइस ये है अभी ऊपर से लोकेशन, ऊपर से ऊपर का व्यू कैंची धाम का। सो भाई लोग अभी पहुँच गया हूँ मैं सात ताल में, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सात ताल तो नहीं, एक ही ताल है बट इसका नाम है सात ताल। आपको ले चलते हैं अंदर अभी। सो भाई लोग अभी मैं पहुंच गया हूँ सात ताल। सात ताल पहुंचने के बाद मैंने सुबह कॉल किया था अंशुल भाई को और आज मैं वो शख्स से मिला हूँ, करीब आज से छः से सात साल, छः साल से कनेक्ट है। और ये अंशुल भाई, अंशुल प्रस्तोगी, कम से कम भी लाखों दिलों पर राज करते हुए कम से कम भी इनके मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। मेरे भी 9 लाख हो रहे हैं। हाँ, 9 लाख हो गए हैं तो इनके बहुत ही जल्दी मिलियन हो जाएंगे। तो आज मैं इनसे मिला और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा सात ताल घुमाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। सात ताल काफी अच्छी जगह, आ सकते हो आप लोग घूमने के। हाँ जी, तो मैं तो पहली बार आया हूँ क्योंकि यहाँ होने के बाद भी यहाँ पे पहली बार पहुँचा हूँ। अंशुल भाई यहाँ पे डेली शूट करने के लिए आते हैं, शूट वगैरह होते हैं, कभी दूसरों के भी करते हैं तो इसलिए आना जाना होता रहता है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया लगा अंशुल भाई। चलो ठीक है। सो गाइस ये देखो, ये देखो, जंतवाल गांव। यहाँ पे देखो क्या मौसम है, इन पहाड़ों की बात ही अलग है। इन पहाड़ों की बात ही अलग है। ये देखो, ओ भाई साहब क्या बादलों के बीच से निकल रहे हैं। ये देखो गाइस, गाइस अगर पहाड़ में आओ और मक्का नहीं खाया पहाड़ में आके तो कोई फायदा नहीं। देखिए आओ पहले मक्का खाओ, यहाँ पे मक्का बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंडा मौसम है, मक्का खाने का मज़ा अलग है। चलिए मक्का खाते हैं। सो गाइस हम लोग अभी भुट्टा खाएंगे यहाँ से। और भाई साहब कितने का भुट्टा दे रहे हो? एक ये भाई साहब 20 रुपये का भुट्टा दे रहे हैं और बहुत सस्ता दे रहे हैं। और वो जो एक नेताजी थे वो तो कह रहे थे यार इतना महंगा है भुट्टा, यार क्या है यार पहाड़ में आके 20 रुपये नहीं खर्चा कर सकते यार, कोई महंगा भुट्टा नहीं। सो गाइस अभी बन गया है भुट्टा, ये मस्त। अरे हिला 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 नहीं हिला हिला, ये देखो भुट्टा आ गया मस्त करके खाएंगे इसको। मज़ा आ गया। फिर पैसे निकालने हैं, पैसे निकाल के फिर चलेंगे घर को। यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे अपना घर है, फिर हम लोग घर जाएंगे। पहले गैस ए टी एम से पैसे निकाल लेते हैं उसके बाद चलेंगे घर से। सुन लो अभी पहुँच गए ए टी एम तक, पहले ए टी एम से पैसे निकाल। दोस्तों बहुत भगाने के बाद हम पहुँच गए हैं, 5 बजे टाइम बज गया, 5:05 हम पहुँच गए हैं शक्ति पार। यहाँ पे खाएंगे थोड़ा सा फ्राइड राइस उसके बाद फिर चलेंगे घर क्योंकि भूख लगे बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं हो रही है।
खा लेते हैं, ठीक है जी, चलो मिलते हैं। ये देखिए, हाँ ये हमारे शक्ति फार्म तिलियापुर का हाल है। ये देखो वो क्या रोड है, ओ ये देख रहे हो गाड़ी कहाँ जा रही है, ओ ये हमारे यहाँ सुपर हाईवे है, देखो क्या रोड है। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। सो अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे फ्रेश होके, फिर उसके बाद एडिट करेंगे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।